हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। आज मैं आपसे उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ जो कि आजकल पूरे इंडिया में बहुत ही कॉमन बना हुआ है। हाँ जी, ठीक समझा आपने, COVID-19 के चलते स्टडी पर इफेक्ट। COVID-19 में स्टडी पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता जा रहा है। बच्चों की स्टडी कैसे करवाएं, उनकी स्टडी रेगुलर कैसे रखें, बच्चों का मन स्टडी से हटता जा रहा है, वो ड्रॉप आउट करते जा रहे हैं, तो उनकी स्टडी को रेगुलर रखने के लिए ऐसा क्या किया जाए, इस टॉपिक पे मैं आज आपके साथ बातचीत करने जा रही हूँ। तो जैसा कि सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के स्कूल खोल दिए थे, तो उसका नतीजा क्या हुआ, मतलब कि बच्चों के स्कूलों में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव केसेस पाए जाने लगे, स्टूडेंट्स में भी और टीचर्स में भी। तो इसको देखते हुए सरकार ने फिर से 30 नवंबर तक स्कूल क्या है, फिर से एक बार बंद कर दिए हैं। तो 30 नवंबर तक स्कूल बंद किए, उसके बाद भी कुछ नहीं पता है कि कब खुलेंगे, और छोटे बच्चों के तो इस सेशन में स्कूल खुलने इम्पॉसिबल से ही लग रहे हैं इस बार। तो बच्चों का जो स्टडी से मन हट गया है, जो बच्चे स्कूल रेगुलर नहीं जा रहे हैं, स्कूल रेगुलर तो वैसे भी लग ही नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चे कुछ क्या है कि स्कूलों से जुड़े भी नहीं हुए हैं, मतलब कि सभी स्कूलों के लगभग टीचर्स ऑनलाइन स्टडी सेंड कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है कि उस ऑनलाइन स्टडी को भी गेन नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी घर बैठकर बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों को वो ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए, उनके टीचर्स जो उनके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों को वो ऑनलाइन स्टडी करनी चाहिए। और जो बड़े बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, तो उनका तो बिल्कुल ही मतलब काफी परसेंटेज तक उनका ड्रॉप आउट सा लग रहा है। जो आने वाला सेशन है, नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर लेंगे। उसका रीजन यह है कि हमारे जो इंडिया में निम्न और मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज्यादा हैं, और कोविड की वजह से जो स्टार्टिंग में लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से कुछ जो बड़े बच्चे थे, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया, और या जो भी लगा लें अपने, कोई ना कोई उन्होंने बिजनेस नया शुरू कर लिया, या कहीं भी कोई जॉब करने लग गए, तो उनका स्टडी से ध्यान हटकर उस अपनी जॉब की तरफ ज्यादा हो गया, या अपने पेरेंट्स के बिजनेस की तरफ हो गया, तो उनका इंटरेस्ट अपनी स्टडी को छोड़कर उधर ज्यादा होता नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि उस इंटरेस्ट को देखते हुए बच्चे अपने मतलब अपना बिजनेस शुरू कर दें, या कोई जॉब कर रहे हैं अपनी स्टडी को छोड़कर, अपनी स्टडी को ड्रॉप आउट करके वो किसी भी काम में लग जाएं, या कुछ बच्चे मौज मस्ती मारते हैं और कुछ गलत संगति में पड़ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी अपना अपना मतलब सभी ने ड्यूटी ज्वाइन की है, तो कुछ बच्चे गलत संगति में पड़ रहे हैं स्टडी को छोड़कर, तो उन बच्चों को स्टडी के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, यह कहना बहुत ही मुश्किल है, काफी बड़ा मुश्किल का यहाँ पर सवाल बना हुआ है। तो उन बच्चों के बारे में क्या सिर्फ एक टीचर की ही जिम्मेवारी बनती है? नहीं, वहां पर पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है। जो टीचर्स हैं, सभी स्कूल और प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स हैं, वो तो अपनी ड्यूटीज कर ही रहे हैं रेगुलर, मतलब ऑनलाइन स्टडी सेंड कर रहे हैं, और जो भी है बच्चों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और रूटीन से बच्चों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के साथ स्टडी के बारे में बताने के लिए। लेकिन पेरेंट्स की भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं, पेरेंट्स उन्हें या तो किसी ऐप से जोड़े, ऐसे ऐप से स्टडी के बहुत सारे ऐप आजकल आए हुए हैं इंटरनेट पर, तो या तो किसी ऐप के साथ जोड़े, या स्कूल के साथ जिसमें पहले वे जा रहे थे, उनके बच्चे जिस स्कूल में पहले जा रहे थे उसी स्कूल के साथ जुड़े रहे, ताकि उनका ऑनलाइन काम आ
आता रहे और बच्चों को करवाते रहे, या ट्यूशन के थ्रू या घर पर पढ़ाए, जो भी जैसे भी उनको सेट लगे पेरेंट्स को, कि अपने बच्चों को स्टडी के साथ जोड़कर रखे, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं। और सबसे जो जरूरी बात है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों को मेंटली प्रिपेयर रखें कि जब भी स्कूल खुलेंगे इस कोरोना महामारी के बाद, जब भी स्कूल खुलेंगे अपने बच्चों को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रखें कि जब भी स्कूल खुलेंगे अपने बच्चे को कहें कि आपको अपनी स्टडी रेगुलर रखनी ही पड़ेगी, चाहे वो बड़े बच्चे हैं चाहे छोटे बच्चे हैं। बड़े बच्चे हैं अगर कोई और काम करने लग गए हैं, कोई गलत संगति में जा रहे हैं, तो सबसे पहली ड्यूटी हमारी ये बनती है कि बच्चों को उस गलत संगति से हटाएं। पेरेंट्स की सबसे बड़ी ड्यूटी ये बनती है कि उस गलत संगति में जाने से बच्चे को रोकें, उसको स्टडी की तरफ रेगुलर करें और उसे कहें कि जब भी आपके स्कूल खुलेंगे आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी समझाएं कि बच्चे जो आपकी ऑनलाइन स्टडी आ रही है आपने ये रेगुलर रखनी है, जैसे ही आपके स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद आपने रेगुलर स्टडी करनी है, आपने स्कूल जाना है पहले की तरह भी, पहले मॉर्निंग में जल्दी उठे आप स्कूल गए, वैसे ही आपका रूटीन होगा। तो ये बच्चों के माइंड में सेट करके रखें पेरेंट्स कि आपने अपनी स्टडी रेगुलर रखनी है, नहीं तो क्या होगा कि बच्चों का फ्यूचर इतना पीछे चला जाएगा बहुत ज्यादा, मतलब कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर बच्चे ड्रॉप आउट कर जाएंगे, छोटे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाएंगे तो इसका बहुत ही ज्यादा बुरा असर होगा। अगर छोटे बच्चे ने अपनी स्टडी बीच में ही छोड़ दी तो उसके बारे में तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। बड़े बच्चे हैं जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया है तो उनको भी मैं यही कहूंगी कि वो अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, ऑनलाइन रेगुलर रखें किसी ऐप के जरिए जैसे भी। तो जो अब स्कूल कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, 30 नवंबर तक एक बार बंद किए गए हैं सरकार की तरफ से, तो अगर उसके बाद भी जो भी गाइडलाइंस आती हैं उसे हमें फॉलो करना है, बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी देशवासियों को। तो जैसे जैसे जो भी शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस आती रहेंगी उसे हमें फॉलो करना है, हमारा ये कर्तव्य बनता है उसे फॉलो करना। तो कोरोना से डरे नहीं, उसका डट के मुकाबला करें, जैसे जितना भी हो सके कम से कम घर से बाहर निकलें, मास्क का जरूर प्रयोग करें और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें, हो सके तो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथों को साबुन से धोते रहें। तो जुड़े रहें हमारे साथ नई अपडेट्स लेकर, फिर से हम हाजिर होंगे। नमस्कार।